फ्लक्स के न्यूमेरिकल में जैसे पहले टाइप की प्रॉब्लम आएगी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टन रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है, आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ड्यू टू फील्ड ओवर द एरिया ऑफ, ये एरिया गिवन है आपको, ये भी वेक्टर फॉर्म में गिवन है। जब ई एक वेक्टर गिवन है, एरिया एक वेक्टर गिवन है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये ई वेक्टर है, डॉट डी एस वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन, के तो है ही नहीं तो वो तो उड़ी जाएगा, सॉल्व करके आंसर आएगा। तो पहला स्टेप क्लियर है कि अगर हमें ई भी वेक्टर, एरिया भी वेक्टर गिवन है तो डॉट प्रोडक्ट से अपना आंसर सॉल्व करना है। तो जो मैंने प्रैक्टिस के लिए शीट दी है उसके अंदर ये ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो आप वहां से ट्राई करेंगे, मेथड क्लियर है। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम इसमें पढ़ें एक बार प्लीज। तो इस प्रॉब्लम में ई वेक्टर गिवन है 5×10³ आई कैप, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। अब एक बात को समझ लें कि अगर मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये बाहर जेड एक्सिस है, ई वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, ई वेक्टर की डायरेक्शन है आई कैप यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक क्वेश्चन में गिवन है? तो ई वेक्टर कहां पर है? आई कैप। अब बात करते हैं जो प्लेन है दैट इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। अगर ये एक्स है, ये आपका जेड है और ये आपका वाई है, तो वाई जेड प्लेन ये हो गया, ये वाई ये जेड, हाँ देख रहे हो मेरा, वाई जेड ये प्लेन वाई जेड है। तो आप इमेजिन करें, रजिस्टर देना है प्लीज, जैसे इमेजिन करें कि आपके पास ये जो प्लेन है ये वाई जेड प्लेन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई जेड प्लेन है, राइट। जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के साथ, तो एरिया वेक्टर ये रहा, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है? अलोंग एक्स एक्सिस। ई वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो ई और एरिया में एंगल क्या बना? जीरो। तो फ्लक्स क्या बनेगा? ई एरिया कॉस जीरो। ई गिवन है, एरिया 10×10 का स्क्वायर है, तो 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना तो आपके पास कॉस जीरो आंसर आएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि इसमें कैसे एंगल देखने हैं, ई वेक्टर इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, ई वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है? जीरो। पहला स्टेप। अब इस पार्ट को भूल जाओ, अगला पार्ट कोई मुझे बताए, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स 30° एंगल विद एक्स एक्सिस। कह रहा है ये प्लेन अब 30° एंगल, ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के साथ 30° एंगल बना रहा है ये प्लेन, ई वेक्टर वही है जहां था, तो ये बताएं कि एरिया वेक्टर और ई वेक्टर में एंगल क्या बनेगा। यहां पर वैसे 60 गिवन है आपके सॉल्यूशन में, 60 कैसे बनेगा क्या आप सोच सकते हैं? मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो ये प्लेन एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस है, ई वेक्टर भी एक्स एक्सिस पे है, ये प्लेन भी एक्स एक्सिस पे है, तो एरिया वेक्टर कहाँ पर है? आपकी तरफ है, परपेंडिकुलर है। तो ये बताओ कि अगर ई वेक्टर इधर है
एरिया वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 है, 90 है ना, किसमें, ई में और एरिया में, ई में और एरिया में 90। उसने क्या कहा, इस प्लेन ने एक्स के साथ एंगल कितना बनाया, 30, घुमा दो इसे, 30 घुमा दो, 30 घुमाया तो एरिया वेक्टर भी घूम गया, कितने डिग्री घूम गया, 30, जब कॉपी 30 घूमेगी तो पेन भी 30 घूमेगा, तो एरिया वेक्टर 30 घूम गया। अब ई वेक्टर तो वही का वही है, पहले ई वेक्टर और एरिया में एंगल 90 था, अब ये 30 अंदर मुड़ गया, तो अब बचा हुआ एंगल कितना है, 60, क्योंकि 90 में से 30 कम हो गया तो कितना बचा, 60। पॉइंट समझ में आ रहा है, 60 क्यों, तो इसलिए फ्लक्स क्या होगा, ई एरिया 10/10 और कॉस ऑफ 60। पॉइंट समझ में आ रहा है, कैसे सोच रहे, ऐसे ही लगा देना कि 30 है 30 लगा दिया, ध्यान से एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर है, पहले एक्स के साथ ये प्लेन बनाओ, एंगल ई में और एरिया में 90 बनेगा, फिर 30 घुमाओ, तो जब ये 30 घूम के आएगा तो बचा हुआ एंगल 60 निकल के आएगा। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। इस क्वेश्चन को देखें प्लीज, देखो क्वेश्चन है, स्फेरिकल गॉशियन सरफेस एनक्लोजेस अ चार्ज ऑफ 8.85 इंटू 10^-8 कूलम। तो ठीक है, चार्ज है गॉशियन सरफेस का, फ्लक्स बताओ इस सरफेस का क्या होगा, क्योंकि ये एक स्फेरिकल गॉशियन सरफेस है, स्फेयर एक क्लोज बॉडी है, इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, सीधा गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम से टोटल फ्लक्स क्या आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, आंसर एक आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है, इफ रेडियस ऑफ गॉशियन सरफेस इज डबल्ड, तो बोलो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू विल रिमेन सेम, क्योंकि एरिया तो आ ही नहीं रहा इसमें, तो फ्लक्स सेम रहेगा। लेकिन काफी लोग ये सोचते हैं कि ऐसे कैसे यार, ई डॉट डी एस लगाएंगे तो एरिया तो चेंज हो जाएगा ना, अगर मैं ये ना लगाऊं और ई डी एस लगाऊं तो एरिया तो चेंज हो गया, एरिया चेंज हो गया तो फिर फ्लक्स तो चेंज होना चाहिए, क्या आंसर है, एरिया तो चेंज हो रहा है, एरिया मैंने बड़ा कर दिया तो फिर फ्लक्स को सेम क्यों रह गया। ठीक है, गॉस थ्योरम कहती है एरिया नहीं आ रहा, मान गए, वैसे प्रैक्टिकली देखो ई भी चेंज होगा, क्योंकि क्योंकि ऐसे केस में क्या होगा कि अगर आपका स्फेयर छोटा है, ये क्यू चार्ज है छोटा है, तो ई भी छोटा है, एरिया तो भी छोटा है, लेकिन जब आप क्या करेंगे, बड़ा स्फेयर लेंगे तो एरिया तो बड़ा हो गया पर ई छोटा हो जाएगा, जितनी दूर जाएंगे ई छोटा हो जाएगा, तो ई डी एस में एक ई छोटा हो गया, एरिया बड़ा हो गया, प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, तो फिर करना नहीं है। और गॉस थ्योरम ये कहती है कि इतना करने की जरूरत ही नहीं है, जब क्यू अंदर सेम है, चाहे छोटा स्फेयर चाहे बड़ा चाहे बहुत बड़ा स्फेयर, तो फ्लक्स सेम रहेगा। मेरे पास इसको एक्सप्लेन करने का एक और भी तरीका है जो और भी आसान है। मान लो क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज अपने अंदर से लाइंस निकालेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अब जितनी लाइंस यहां क्रॉस कर रही हैं उतनी लाइंस यहां भी क्रॉस कर रही हैं, फर्क क्या पड़ रहा है, तो इसलिए फ्लक्स विल रिमेन सेम, कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, यहां तक जितना मर्जी बड़ा ले लो, फ्लक्स सेम रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी सब्जेक्टिव शीट 6 का भी क्वेश्चन है जो होमवर्क में है।
क्वेश्चन है, पॉइंट चार्ज 10 माइक्रो कूलम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, तो इस स्क्वायर के 5 सेंटीमीटर ऊपर आपने एक चार्ज को रख दिया और 10 बाय 10 का स्क्वायर है। आगे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, तो कह रहा है कि ठीक है इस स्क्वायर में फ्लक्स क्या होगा ये बताओ। अब अगर मैं इसमें ये सोचूं कि मैं गॉस थ्योरम लगाऊंगा, लगा नहीं पाऊंगा क्योंकि एक शीट पड़ी हुई है नीचे स्क्वायर की और चार्ज तो हवा में है, क्लोज बॉडी तो किसी भी एंगल से नहीं है ना, तो क्यूब ना क्यूबॉइड कुछ भी नहीं बना हुआ, तो गॉस थ्योरम तो एप्लीकेबल नहीं है। तो फ्लक्स निकालने का मेरे पास एक तरीका है ई डॉट डी एस, तो मैं ऐसा करूंगा कि क्यू चार्ज है, अगर मैं यहाँ पे ई निकालूं तो ई की डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ पे निकालूं तो ई की डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ पे निकालूं तो इधर होगी, फिर इधर होगी, हर पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट होगी और एरिया वेक्टर हमेशा इसके क्या रहेगा परपेंडिकुलर, ये भी बहुत मुश्किल है। मैं कितना ई ले लूंगा शीट के ऊपर तो इनफाइनाइट ई की लाइन जाएंगी, मुझे पता ही नहीं कितनी लाइन्स हैं, तो मैं किस किस का एंगल लूंगा, तो ई डॉट डी एस लगाना तो और भी मुश्किल है। तो एक तरीका निकाला, लगाएंगे गॉस थ्योरम क्योंकि ई डॉट डी एस करना तो बहुत ही मुश्किल है। गॉस थ्योरम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्लोज्ड बॉडी। गॉस ने कहा था क्लोज बॉडी एक्चुअल में है तो अच्छी बात है, अगर एक्चुअल में नहीं है तो इमेजिन कर लेना। अब इमेजिन कैसे करेंगे ये देखो, वो कहते हैं एक काम करो आप इसे ढक दो, कवर कर दो चार्ज को सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली कैसे, ये एक शीट है, इमेजिन करो कि इसके ऊपर भी सेम शीट है, इमेजिन करो सेम साइज की शीट यहाँ पर भी आगे भी और पीछे भी, तो टोटल कितनी शीट्स हो गई, 6, जिनमें से एक एक्चुअल है बाकी सब इमेजिनरी है। पर इस चक्कर में चार्ज क्यू कहां पर आ गया, एग्जैक्टली इस क्यूब के सेंटर पे, चार्ज क्यू क्यू के सेंटर पे है। अब क्यूब के सेंटर पे क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज जो लाइंस बनाएगा, जो लाइंस यहां से निकलेंगी वही लाइंस यहां से निकलेंगी, वही लाइंस यहां से निकलेंगी और वही लाइंस यहां से निकलेंगी, सिमेट्रिकल है ना, तो 6 फेस सिमेट्रिकल है, चार्ज क्यू सेंटर पे है। अब इस केस में इस पूरे क्यूब का फ्लक्स तो इजीली निकल सकता है, इट्स अ क्लोज बॉडी, तो गॉस थ्योरम लगाओ पूरे क्यूब का फ्लक्स क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। पर क्यूब में कितने फेसेस हैं, 6, हमें किसका आंसर निकालना है, सिर्फ एक फेस का, और क्योंकि सिमेट्रिकली फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूटेड है 6 फेस पे, तो एक फेस का क्या होगा डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 6। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है, लेकिन अब कोई कहेगा कि सर ऐसा भी तो कर सकते थे, क्लोज बॉडी बनानी है ना, मैंने कहा हाँ बनानी है, कह रहे ऐसा ढक दो इसे, वो कटोरी डाल दो ऊपर हेमिस्फीयर, तो अब कर लो, अब भी तो आंसर सेम आएगा, नहीं सेम नहीं आएगा ना, मैं निकाल नहीं पाऊंगा, सेम तो आता भी होगा, क्यों, क्योंकि इस क्लोज बॉडी का फ्लक्स तो मैं निकाल लूंगा क्यूब एप्सिलॉन नॉट, पर जब बांटने की बारी आएगी कि हेमिस्फीयर का कितना हिस्सा और शीट का कितना हिस्सा, मैं कैसे बांटूंगा, सेम है ही नहीं, तो मेरे लिए बांटना मुश्किल है। इसलिए हम जब इमेजिनरी बॉडीज लेते हैं वो सिमेट्री में लेते हैं, ताकि जब पहले टोटल निकले फिर बांटना सबके लिए बराबर हो जाए, इसलिए शीट के बदले में शीट ली। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि सिमेट्री बनानी जरूरी है, क्योंकि जब उसमें से हम एक फेस का निकालेंगे तो सीधा डिवाइड बाय 6 से आंसर आएगा, इसमें आधा आधा नहीं हो सकता, सरफेस डिफरेंट हो जाएगा, तो इसलिए फ्लक्स डिफरेंट हो जाएगा, तो इसलिए हम बांट नहीं सकेंगे इसे। नहीं क्लोज तो मैं कर दूंगा, ढक दूंगा मैं इसे, ढक दिया मैंने, चलो मैंने किस तरीके से जोड़ दिया उसे, अब बोलो जोड़ दिया चिपका दिया, हाँ इररेगुलर शेप होगी, तो बांटना मुश्किल हो जाएगा, फ्लक्स कैसे बांटूंगा, फिर हटाना भी तो है ना, तो इसलिए सिमेट्री में चलेगा। जैसे सपोज करो ये मान लो एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के टॉप की सरफेस पे चार्ज क्यू पड़ा हुआ है और ये ओपन सरफेस है, प्लीज बंद नहीं है, ओपन है। अब क्योंकि कटोरी है, इमेजिनरी चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, बंद तो है नहीं, अब यहाँ पर लाइंस ऐसे 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 जाएंगी, हेमिस्फीयर का फ्लक्स निकालना है, ई डॉट डी एस लगाना तो बहुत मुश्किल है, क्लोज बॉडी ये है नहीं क्योंकि ढक्कन ऊपर से डाला नहीं हुआ, ढक्कन डाला होता और क्यू चार्ज अंदर होता, हाँ फिर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, पर क्यू चार्ज तो ऊपर आया हुआ है वो भी ओपन सरफेस में, तो एक काम करना पड़ेगा इस हेमिस्फीयर का फ्लक्स निकालने के लिए इसको क्लोज बनाना पड़ेगा बाय सिमेट्री। सिमेट्री में कैसे करेंगे, इसके ऊपर एक और हेमिस्फीयर रख दो, अब दो हेमिस्फीयर्स हैं और चार्ज एग्जैक्टली दोनों हेमिस्फीयर के सेंटर पे है, तो दोनों हेमिस्फीयर्स का फ्लक्स क्या होगा, क्यूब एप्सिलॉन नॉट, इट्स अ क्लोज बॉडी,
और हमें तो एक का निकालना है, तो बांटे आधा आधा बांट दो, डिवाइड बाय क्या करेंगे टू आंसर। तो एक हेमिस्फीयर का आंसर 1/2 Q/ε0। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है लॉजिक क्या करना है, सिमेट्री में कैसे काम करना है इसमें? जैसे सपोज एक सिलेंडर है, तो या काट के सिलेंडर लिख लो प्लीज, हेमिस्फीयर नहीं है, सिलेंडर है ये। ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक, तो सपोज एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के यहां पर क्यू चार्ज है और ये ओपन है, बंद नहीं है। बंद होता और क्यू चार्ज अंदर होता, बात ही क्या थी। तो ये क्यू चार्ज इसकी सरफेस, ओपन सरफेस पे है, मुझे इसका फ्लक्स निकालना है। मैं ई डॉट डी से निकाल नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, इस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर ढक दिया, क्लोज बॉडी बन गई दो सिलेंडर की, और क्यू चार्ज एग्जैक्टली इसके सेंटर पे है। अब दोनों सिलेंडर का टोटल फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक सिलेंडर का क्या होगा, डिवाइड बाय टू आंसर। क्या बढ़िया तरीका है, पहले ढक लो उस मैट्री से, फिर एक को हटा दो, डिवाइड बाय टू। समझ में आ रहा है यहां तक? तो जैसे सपोज ये एक हेमिस्फीयर है जो हर तरफ से बंद है, क्लोज है, ये देखो क्लोज दिखा हुआ है इसमें, क्लोज है, ये ओपन है, डॉट 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 का मतलब ओपन है। तो ये क्लोज है, चार्ज क्यू ये पड़ा हुआ है बाहर, तो इसका फ्लक्स क्या होगा हेमिस्फीयर का, जीरो। वो क्यों? क्योंकि गॉस ने कहा था कि क्लोज बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, तो अंदर तो चार्ज है ही नहीं, तो फ्लक्स क्या आएगा, जीरो। सही है यहां तक? थियोरेटिकल कोई बताएगा जीरो? देखो प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकली समझ में आ रहा है कि गॉस थ्योरम कहता है कि क्यू तो है ही नहीं अंदर, तो जीरो। वैसे एक्सप्लेनेशन पता है क्या बनेगी, अगर ये क्यू चार्ज है, अगर कोई लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है ऐसे, तो एक बार इनकमिंग फ्लक्स है इनवर्ड और एक बार आउटवर्ड, ठीक है ना, इनवर्ड आउटवर्ड, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। लास्ट टाइम किया था हमने, कोई भी लाइन अगर दो बार कट करती हुई जा रही है, एक बार अंदर एंट्री कर रही है और एक बार बाहर जा रही है, तो नेट फ्लक्स जीरो। अब कोई भी लाइन खींच लो, उसे दो बार कट करना ही करना है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा इसमें, जीरो। तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दे दी और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली भी जीरो, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, क्लोज बॉडी है, क्यू चार्ज अंदर है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा इस बॉडी का, क्यू बाय एप्सिलॉन, ठीक है यहां तक। हेमिस्फीयर है, ऊपर से नीचे से ओपन है, क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। अब जो ओपन है, क्या सिखाया था, एक और हेमिस्फीयर रखना पड़ेगा इसके नीचे, एक और हेमिस्फीयर आ गया। अब दो हेमिस्फीयर का क्यू बाय एप्सिलॉन, तो एक हेमिस्फीयर का क्यू बाय एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय टू। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, ठीक है। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, इमेजिन करो आपके पास एक क्यूब है और क्यूब सही है, एक क्यूब है और इस क्यूब के इस वर्टेक्स पे यहां पे कौन सा चार्ज है, क्यू चार्ज है, ये क्यूब है और इसका क्यू चार्ज है यहां पर पड़ा हुआ। क्वेश्चन है कि क्यू चार्ज बिल्कुल कोने पे पड़ा हुआ है, अगर ये हल्का सा बाहर होता और मैं ये पूछता पूरे क्यूब का फ्लक्स क्या है, तो आप आंसर क्या बोलते हैं, जीरो, कोने पे जाके बैठ गया। कोने पे बैठने से क्या होगा, लाइंस एमिट करेगा हर तरफ, इधर भी करेगा, क्यूब के अंदर से भी करेगा, इधर से भी करेगा, पूरे क्यूब में से लाइंस क्रॉस होंगी और दो बार कट नहीं होंगी, क्योंकि वो खुद कॉर्नर पे बैठा है तो वो कटिंग नहीं मानी जाएगी, तो एक ही बार कट करती, तो फ्लक्स तो इस क्यूब का होगा, फ्लक्स तो होगा, कितना होगा ये क्वेश्चन है, क्यूब का फ्लक्स तो है कितना है ये आपको बताना है। साइड जो मर्जी लो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो क्यू और एप्सिलॉन नॉट में आना है। पहली बात तो ये कि ये जो क्यूब है
ये जो क्यूब मैंने बनाया, ठीक है, तो ये जो चार्ज है वो इसके कोने पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम अगर अप्लाई करनी है तो इसको क्लोज करना पड़ेगा, और क्लोज भी सिमेट्रिकली करना पड़ेगा। सिमेट्रिकली कैसे करेंगे? सिमेट्रिकली करने के लिए एक जो क्यूब है यहां बना देंगे इसके ऊपर साथ में, ठीक है, एक क्यूब यहां बना देंगे साथ में, ऐसे ऐसे एक क्यूब यहां बना देंगे, तो चार क्यूब्स हो गए। अब प्रॉब्लम ये है, अगर आपने चार क्यूब बनाए कुछ ऐसे जो मैं अभी दिखाऊंगा अभी आपको, देखो ये आपका मान लो, बता रहा हूं एक क्यूब है, ये मान लो चार्ज पड़ा हुआ है आपका, ये रहा चार्ज कोने पे, ये रहा चार्ज। तो आपने एक क्यूब यहां रखा, एक क्यूब आपने यहां रखा, एक आपने यहां रख दिया, चार्ज यार अभी भी कहां पर पड़ा हुआ है? इसके कोने पे, मान लो यहां पर पड़ा हुआ है अभी भी कोने पे, अभी ये क्लोज सरफेस नहीं हुई, इन चारों के बिल्कुल मिड पॉइंट पे पड़ा हुआ है। आपको चार क्यूब्स और लेने पड़ेंगे, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर, ताकि आठ क्यूब के सेंटर में जाके क्यू चार्ज दिखेगा आपको। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर जो चार्ज है वो यहां कोने पे पड़ा हुआ है, कोने में पड़ा हुआ है, तो मैंने एक क्यूब ये रख दिया, एक ये रख दिया, एक ये रख दिया, चार हो गए। प्रॉब्लम ये है कि अभी भी वो कोने में पड़ा हुआ है, ओपन सरफेस में है, तो चार इसके ऊपर और रख दो, तो टोटल कितने हो गए? आठ क्यूब। आठ क्यूब के सेंटर पे जाके आपको क्यू चार्ज दिखेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो एक बात बताओ, अगर आठ क्यूब्स में लेता हूं, ऐसे मान लो चार ये रे, चार इसके पीछे हैं, आठ क्यूब्स हैं, तो अगर आठ क्यूब्स का एट, एट क्यूब्स का फ्लक्स अगर मान लो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो एक क्यूब का क्या होगा बताओ? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड बाय क्या कर देना है? एट। आंसर क्या? ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है यहां तक? तो 1/8 क्यों हुआ? वर्टिसेस की वजह से नहीं हुआ, उसको ढकना पड़ेगा आठ क्यूब से, तो जाके वो आठ क्यूब के सेंटर में जाके बैठेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अब क्वेश्चन है इसी में, फिर से एक बार क्यूब है, सेम क्यूब है, और फिर से वो चार्ज क्यू यहां पे है। ऑनलाइन क्लियर है पिछला क्वेश्चन आठ क्यूब वाला? यस यस सर। यस सर। अब सपोज करो आपके पास फिर से क्यूब है और ये क्यू चार्ज है, आपको फ्लक्स निकालना है इसका, इस जो एक फेस का, इसका एक फेस का पर फेस, तो इसका एक फेस का फ्लक्स क्या होगा? एक पूरे क्यूब का तो मुझे पता है, पूरे क्यूब का क्यूब है 8 एप्सिलॉन नॉट है, इसका एक फेस का क्या होगा? वन फेस का। क्यूब आए, देखो टोटल वन क्यूब, एक मिनट, वन क्यूब का, एक क्यूब का फ्लक्स तो मुझे पता है कितना, क्यूब आए 8 एप्सिलॉन नॉट, एक क्यूब में कितने फेसेस हैं? 6, तो एक फेस का क्यूब आए 48 एप्सिलॉन लगता है सुनने में ऐसा, पर है नहीं, 24 है, ऐसा क्यों? अगर आपके पास कॉर्नर पे एक चार्ज है और ये एक क्यूब है, तो इसका टोटल फ्लक्स क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, इसके कितने फेस हैं? 6। एक फेस का फ्लक्स क्या होगा? ठीक, एक फेस का फ्लक्स। अच्छा एक एक करके पूछता हूं, ये बताओ ऊपर वाले फेस का फ्लक्स क्या होगा? इसका आंसर बोलो, ऊपर वाले फेस का फ्लक्स क्या होगा? बस जीरो। क्यों जीरो? देखो इसलिए जीरो, आंसर जीरो है। रीजन, अगर कोई लाइन, देखो कुछ लाइंस बिल्कुल इसके सरफेस के ऊपर से टच करती हुई जाएंगी, कुछ इसके ऊपर से जाएंगी, जो ऊपर से जा रही है हमारे काम की नहीं, हमने फ्लक्स तो इसका निकालना नहीं, जो इसके छत के ऊपर से निकल गई एक वो लाइन ले लेंगे, जो नीचे निकल गई वो हमारे काम की नहीं क्योंकि वो तो छत को टच कर ही नहीं। तो इमेजिन करो ये रूम एक क्यूब है,
और चार्ज क्यू वो कोने पे पड़ा हुआ है रूम के, ठीक है। अब सोचो कि एक सामने दीवार है, ये वाली सामने वॉल है, तो क्यू चार्ज लाइन कैसे करेगी? एक तो दीवार के साथ जाएगी लाइन बिल्कुल साथ में, और कुछ लाइंस रूम के अंदर आएंगी। जो अंदर आ रही है वो तो इस दीवार को टच नहीं कर रही, और जो दीवार के बाहर निकल गई वो भी खराब हो गई। हमें तो इस दीवार का निकालना है, तो दीवार के साथ साथ जो लाइन जाएंगी, और एरिया वेक्टर दीवार का परपेंडिकुलर है, तो सोचो जो लाइन की छत पे जा रही है और एरिया वेक्टर के साथ एंगल क्या बना रही है, 90, तो इस छत का फ्लक्स क्या होगा? जीरो बनेगा ही नहीं, जीरो आएगा। अब सोचो इसका भी सेम सिचुएशन है, जो लाइन तो इसके साथ चली गई, तो एरिया वेक्टर के साथ एंगल 90 बना गई, फ्लक्स जीरो, पर जो हवा में चली गई अंदर चली गई वो इस सरफेस के साथ कोई कांटेक्ट रखती नहीं है, तो उसका लेना ही नहीं, तो जीरो। तो यानी कि तीन एडजेसेंट फेसेस, यानी कि अगर वो चार्ज वो पड़ा है तो इस दीवार का भी जीरो, इस दीवार का भी जीरो, और छत का भी जीरो। बचा क्या? तीन फ्लोर, वो दीवार और वो दीवार सामने, उनमें से लाइंस क्रॉस करेंगी तो उनका तो फ्लक्स काउंट होगा। तो टोटल अगर क्यूब का इतना फ्लक्स है तो मुझे पता है कि तीन फेस का तो बनना ही नहीं, जीरो है, तो बचे कितने? तीन फेस। तो एक फेस का फ्लक्स क्या होगा इसमें? एक फेस का होगा 8 बाय Q बाय Q बाय 24 F 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि 6 में से 3 का तो 0 है, 3 का एक्चुअल में काउंट होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है यहां तक। तो Q चार्ज अगर पड़ा है उसके एडजेसेंट फेसेस में जो फ्लक्स आएगा वो एग्जैक्टली क्या आएगा? 0 आएगा, बाकी 3 में आएगा। ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक, ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को देखें प्लीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि आपके पास एक क्यूब गिवन है और ये ओरिजिन है, तो ई की वैल्यू अल्फा एक्स रेज टू पावर हाफ, और अल्फा कितना है? 800 गिवन है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ई की वैल्यू एक्स के साथ चेंज हो रही है, क्योंकि एक्स अगर इंक्रीज होगा राइट की तरफ तो ई भी चेंज होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसे यहां पर अगर मैं पूछूं ई क्या होगा, तो यहां पर ई निकालने के लिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? ए। तो आप यहां पर x की जगह a पुट करेंगे तो e1 आ जाएगा। अगर मैं पूछूं यहां पर e कितना है, तो यहां पर x कोऑर्डिनेट कितना है? a प्लस a 2a, तो
तो x की जगह क्या पुट करेंगे, 2a, तो यहां पर e आ जाएगा, ठीक है यहां तक। तो आपको क्या करना है, आपको इसका फ्लक्स निकालना है टोटल। रूल नंबर वन, ये जो छत है इसकी, इसका एरिया वेक्टर कहां है, ऊपर। e वेक्टर तो x एक्सिस के अलोंग ही है, e वेक्टर ने डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, e वेक्टर इधर ही है, तो e वेक्टर राइट है, एरिया वेक्टर ऊपर है, एंगल क्या बना 90, तो इसका फ्लक्स क्या जीरो, फ्लोर का भी जीरो, आगे वाले फेस का एरिया वेक्टर आपकी तरफ, e वेक्टर इस तरफ फिर से जीरो, क्योंकि ये वाला जो फेस दिख रहा है ये वाला एरिया वेक्टर बाहर होगा, e वेक्टर इधर होगा, तो एंगल फिर 90 जीरो, इसके पीछे वाला फेस भी जीरो, तो चार फेस का जीरो, आगे वाला, पीछे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, क्या बचा, ये दो बच गए, इनमें जीरो नहीं, क्यों, क्योंकि ई वेक्टर राइट है, एरिया वेक्टर राइट है, एंगल बिटवीन देम जीरो, इनमें जीरो नहीं होगा, इसमें ई वेक्टर राइट है, एरिया वेक्टर लेफ्ट, एंगल बिटवीन देम 180, जीरो नहीं होगा। तो नेट फ्लक्स इसका क्या होगा, एक तो यहां का E1, इसको E1 कर लेंगे, E1 S cos of 180, और इस केस में E2 S cos of 0, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक। और E1 की वैल्यू मैंने कैसे सिखाई थी, E1 निकालने के लिए X की जगह ऊपर फॉर्मूले में क्या पुट करना है, A, और E2 में क्या पुट करना है, 2A, तो E1 में S की जगह A और इसमें 2A, तो आपके पास क्या आ गया, ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई, वैल्यूज बाकी पुट करके टोटल फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है?